Hi everyone and welcome to Neet Now, your NCERT destination. Today we are going to talk about structural organization in animal se alag part organ and organ system. Now jab hum logon ne isse pehle baat ki hui hai animal kingdom diversity in living world se agar aap dekhoge biological classification wagera we already have an idea ki jo organ aur organ system hai ye hota kya hai but now when it's concerned with animals ki particularly animals mein kya importance hai animals mein humko kya cheez dekhni hai ये आज हम डिटेल में यहाँ देखेंगे. सो सबसे पहले एक चीज हम रादर रिवाइज कर लें या याद कर लें. सेल सेल से बनेगा आपका टिश्यू. ठीक है, टिश्यू जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे होंगे तो बनेगा आपका ऑर्गन. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन से आपका बनेगा ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स रादर एंड इन ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म बनेगा. ठीक है, ये हायरार्की है जो आपको याद होनी चाहिए, मतलब इसे दिमाग लगाने के लिए या फिर मैं ये कहूंगी कि इसको रटना जरूरी नहीं है. यू हैव टू रिमेम्बर कि कौन सा छोटा छोटा बिट है और आगे उससे क्या हो रहा है. सो नाउ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. The basic tissues mentioned above organize to form organs, which in turn associate to form organ system in multicellular organisms. Tissues कौन कौन से देखे थे हमने? पहला देखा था हमने epithelial. ठीक है, epithelial, connective, muscular और neural. ये चार tissues थे जो हमने सबसे importantly अभी इस चीज को स्टार्ट करने से पहले देखे हैं, डिटेल में देखे हैं, काफी हद तक देखे हैं, इनके फर्दर टाइप्स देखे हैं कि आपका सिंपल है, कंपाउंड है, सिंपल है तो फर्दर है, आपका जो इवन कनेक्टिव टिश्यू है उसमें देखे, मस्कुलर टिश्यूज में हमने टाइप्स ऑफ मसल्स देखी. सो ये चीज हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं. अब हमको ये समझना है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तब वहां पे ये जो चीज है आपकी, ठीक है, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारी अलग अलग चीजों से बना है और वो चीज स्टार्ट हो रही है आपकी राइट फ्रॉम हियर सेल. ठीक है, such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of billions of cell constituting an organism. Ya to millions se kya mai trillions se bhi zyada honge. theek hai, so hum log agar cells ko tissues ko ज्यादा अच्छे से समझ पाए तो हम एक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. ऑब्वियसली बात है कि ये जो आपके स्पेशली ये जो चीज है ना ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस क्लास 12th में आएंगे तब हम देखेंगे कि जो भी हमारी हेल्थ है, ठीक है, वट एवर द फिटनेस वी हैव, वट एवर फंक्शनिंग वी हैव एज अ बॉडी, वो कहीं ना कहीं दो मेजर सिस्टम से संभली जा रही है. वो है एंडोक्राइन और है आपका नर्वस, और ये दोनों मिलके हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे हैं. तो सिर्फ हेल्थ को मैनेज करने में तीन आपके जो सिस्टम्स है मेजरली वो लग गए. ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ अपना हाथ ऐसे करना है तो मुझे नर्वस सिस्टम, न्यूरल टिश्यूज, ठीक है, उनकी जरूरत है, मस्कुलर सिस्टम की जरूरत है. ये बेसिक सी चीजें हैं, राइट. सो कहीं ना कहीं बहुत सारे सिस्टम्स जो इन्वॉल्व हैं वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, तब जाके आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो सही से फंक्शन कर पाता है. ईच ऑर्गन इन अ बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज. वेरी ट्रू. फॉर एग्जाम्पल अ हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल. ठीक है, मस्कुलर तो हमको पता है कार्डियक मसल्स हैं ही, न्यूरल सेंसेशंस, इम्पल्सेस, एपिथेलियल कवरिंग पेरिकार्डियम है ना वहां पे, कनेक्टिव. ठीक है, ये सारे जो टिश्यूज हैं आपके, राइट, दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट इन योर हार्ट. कनेक्टिव टिश्यू अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा, ब्लड तो है ही, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड में. ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स लगभग काफी अलग अलग टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं. वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्लेस सर्टन डिसर्नेबल ट्रेंड. डिसर्नेबल मतलब अगर मुझे डिसर्नेबल का मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग बताना हो तो वो होगा ऑब्वियस, यानी कि जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो बहुत प्रोमिनेंटली हमारे सामने है, जो हमको बहुत एकदम
टू द पॉइंट दिख रहा है कि अच्छा ये चेंजेस हैं, मतलब बहुत कॉन्स्पिक्यूअस है, बहुत इजीली क्लियरली विजिबल है. ठीक है, दिस डिसर्नेबल ट्रेंड इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड. जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, मैं जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि जो अलग अलग फाइला हैं जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि वाटर से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी. सो अलग अलग फाइलम जो ये हैं कैसे इवॉल्व हुए हैं, क्या चीज है. अब सिंपल सी चीज देख लो, सिलोम को देख लो. ठीक है, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट. ठीक है, ये चीजें कितनी सिंपल सी हैं, बट कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट है, कहीं एब्सेंट है. कैसे पता चला? इवोल्यूशन के थ्रू जब उनको स्टडी किया गया. हम लोग वी आल्सो वी आर रिलेटिव्स ऑफ एप्स, बिल्कुल बिल्कुल सही है. ठीक है, इसीलिए सेम ऑर्डर में भी आते हैं हम लोग. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे हम इवॉल्व हो गए, हमारी पूंछ नहीं है, बट द मंकीज एंड एवरीबडी दे स्टिल हैव देयर टेल्स, राइट. सो ये इवोल्यूशन है, और इसमें ये जो पूरा पार्ट प्ले हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ वी आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ थ्री ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल्स टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग. इस चैप्टर में हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग. ठीक है, इन तीनों की एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी हमें इस चैप्टर में डिटेल में देखनी है. ठीक है, कि कैसे हैं, क्यों हैं, क्या फंक्शनिंग है, हाउ डू दे सी सी, बिकॉज हमें यहाँ पे अगर हम इन तीनों ऑर्गेनिजम्स को कवर कर लेते हैं तो हमारे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों कवर हो जाएंगे. फ्रॉग, एम्फीबिया, राइट. सो ये आपका वर्टिब्रेट है, ये दोनों आपके इनवर्टिब्रेट है. तो यहाँ पे इन तीनों को पढ़ने के थ्रू हमें एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि इनवर्टिब्रेट से जब वर्टिब्रेट्स में आते हो तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स. इसको हम मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, है ना, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमें दिख रहा है, व्हाट वी आर सी, जो दिख रहा है, राइट. दिख क्या रहा है, सामने से देखोगे, अगर अर्थवर्म देखोगे, अर्थवर्म पता है हमें कैसा होता है. ठीक है, थोड़ा बहुत अगर एनिमल किंगडम पढ़ के आओगे तो याद आ जाएगा सेगमेंट्स हैं, एनिलिडा में क्यों है, राइट. सो ये सारी चीजें ही हमको यहाँ पे स्टडी करनी है. In the case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. जहां तक plants और animals की बात है, उसमें यही है. In case of animals, this refers to external appearance of organs or parts of the body. अगर frog को याद करें, चलिए morphology, दो पैर हैं, general layman की तरह, दो हाथ है, टिम्पैनम है, ईयर्स नहीं है, स्किन स्लाइमी है, स्केली नहीं है, ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, कंपाउंड है, टंग बहुत बड़ी है. ये चीजें हमें जो देखने से पता चल जाती हैं. ठीक है, सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी. अगर किसी तरीके से लेट्स से कि कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की बात करें, ब्राउन कलर है, एंटीना है, बहुत सारे पैर हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, ठीक है, एंड जो स्केलेटन है वो थोड़ा सा चिटिनस है. सो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हो गई आपकी मॉर्फोलॉजी. The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in these animals. Yani ki morphology to aapki observable characteristics ho gayi. Andar kya hai? अंदर क्या है, फंक्शन कैसे कर रहा है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एनाटॉमी. ठीक है, ये वाला जो वर्ड है, द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली हमेशा से. ठीक है, You will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach and frog representing vertebrates, invertebrates and vertebrates. So, इस चैप्टर में हमको यही देखना है. बहरहाल ये छोटा सा वीडियो इसलिए ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि organ and organ system, animal kingdom क्यों पढ़ा था आपने and उसका इस चैप्टर से क्या रिलेशन है. So, when you are coming for the next videos, just make sure that you read through it. एक बार frog, कॉकरोच, अर्थवर्म, तीनों हमने कवर किए हैं आपके एनिमल किंगडम में. एक बार जस्ट उनको ऊपर से रीड करके आइए, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर्टिकुलर क्लास की या फिर फाइला की. ठीक है, नाउ विद दिस आई एंड ओवर हियर. नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक. तो टिल देन कीप रीडिंग एनसीईआरटी, मेक नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस, टेक केयर, थैंक यू.